हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सब? तो आज है डे टू जूस फास्ट का और अभी सुबह के 6:30 हुए हैं, बट यहाँ पर बारिश आ रही है तो घर में थोड़ा सा अंधेरा है अभी। एंड वेदर बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो मैं कल पूरा दिन कोई भी ऐसा बैड सिम्टम्स नहीं थे, बॉडी डिटॉक्स हो रहा है और आज सुबह तो मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही है और मूड भी बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट फील हो रहा है। तो अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अब मैंने अभी सुबह सुबह ये गर्म पानी पीना है मुझे। एंड अभी घर में तो बहुत ही अंधेरा है तो लाइट करके ही बैठना पड़ेगा। एंड अभी मैंने बस अपने लिए प्लेन वाटर ही रेडी किया है, जो कि गर्म पानी है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया है। तो बस अभी ये पानी पी के हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो आज मेरा डे टू का फर्स्ट जूस है जो कि मैं बना रही हूँ, लौकी का जूस। कल मैंने एशगार्ड का जूस पिया था तो मैंने सोचा कि आज मैं लौकी का जूस बनाती हूँ और ऐसे जूस में वेराइटी होगी तो हमें बोर भी नहीं होगा। तो अभी मैं लौकी, फिर उनमें थोड़ा सा मिंट ऐड करूँगी, थोड़ा सा अदरक ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये लौकी के छिलके निकाल रही हूँ और फिर उनके पीसीस करूँगी। तो ये रेडी हो गया है आज का जूस और ये है लौकी का जूस। वैसे मैंने ये लौकी के जूस में आइस नहीं डाला है, बट फिर भी वो इतना ठंडा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो अभी दोपहर के 12 बजे है और मेरा ये एबीसी जूस रेडी है, एप्पल बीट कैरेट। मैंने कल इनकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर की थी, तो मैंने ये एप्पल बीट कैरेट, थोड़ा सा जिंजर एंड थोड़ा सा नींबू का रस ऐड किया है। और अभी मैं अपना फेवरेट शो तारक मेहता रख कर मैं पीऊँगी, क्योंकि हाँ, मैं नॉर्मली खाना खाते टाइम तारक मेहता देखती हूँ। तो आज मैं अपना जूस पीते पीते तारक मेहता देखूँगी और अब मैं एंजॉय करूँगी अपना एबीसी जूस। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज के दिन का थर्ड जूस और कितना अच्छा कलर आया है, ऑरेंज ऑरेंज। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के जूस होते हैं तो पीने में भी अच्छा लगता है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, अभी ऑरेंज कलर का है। तो इसमें मैंने पपीता, कैरेट और ऑरेंज ऐड किया है और इतना अच्छा रिफ्रेशिंग जूस लग रहा है अभी। तो अभी इवनिंग के 4:30 हुए हैं एंड मैंने दोपहर के 12 बजे जूस पिया था, फिर मुझे भूख ही नहीं लगी थी। मैं बीच बीच में पानी पी रही थी बट ऐसे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे जूस पीना है, तो इसीलिए अभी एक गैप हो गया है। तो आपको जैसे भूख लगे वैसे ही आप लोग जूस पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो दो घंटे में, या जैसे आपके बॉडी की नीड है वैसे कर सकते हैं। एंड सिम्टम्स में अभी तक ऐसा कोई हेडेक या वॉमिटिंग या ऐसा कुछ बैड सिम्टम्स नहीं आ रहा है, बस मुझे नींद बहुत आ रही है। तो मैं कल भी सो गई थी और आज भी मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और अभी पूरा ऐसे लाइक कि फ्रेश होके उठी है वैसे लग रहा है। और ये मेरा अभी आज का जूस ऑरेंज का। तो बस अभी मैं ये एंजॉय कर रही हूँ और मैं सिद्धार्थ का वेट भी कर रही कि अभी वो ऑफिस से आएंगे थोड़ी देर के बाद, तो मैं उनके लिए अब खाना बनाऊंगी। अब देखती हूँ कि मैं उनके लिए क्या खाना बनाती हूँ, बट पहले मैं अपना ये जूस एंजॉय कर लेती हूँ। ये पपीता, ऑरेंज, कैरेट का क्या बैलेंस है कि इतना अच्छा रिफ्रेशिंग लग रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है ये जूस पीने में। तो
तो फाइनली ये डे टू का मेरा लास्ट जूस आ गया है और ये ग्रीन जूस है जो मैंने कल पिया था वही है। एंड सिद्धार्थ भी यहाँ पर डिनर कर रहे यहाँ पर सिद्धार्थ खाना खा रहे हैं और मैंने बनाया है पाव भाजी की भाजी, पराठा और ये हमारी फेवरेट छाछ। तो बस ये मेरा आज डे टू कंप्लीट हो रहा है और बहुत ही अच्छा दिन रहा और अभी एनर्जी भी है। पाव भाजी बाजू में है फिर भी खाने का मन नहीं हो रहा है, यही जीत है आज की मेरी। तो बस ये था मेरा आज का दिन और अब मिलेंगे हम कल डे 3 में। अब भी हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय।